ठीक है, तो आपका 20 किलोमीटर में कितना होगा 20,000 मीटर, तो 20,000 मीटर जाएगा 60 मिनट में, एक मीटर खत्म जाएगा, भाग दे देंगे तो 400 मीटर, 400 गुना कर, इससे हल्का क्या है। देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस हम बता दिए आपको, लगभग क्या नंबर, ग्यारह किसका, टाइम डिस्टेंस का है कि टाइम वर्क का है, एक रेलगाड़ी वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है सबके पास, कह रहा है क्या, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करते, रेलगाड़ी लंबाई कितना, आसान है, रेलगाड़ी लंबाई मान लेते हैं x मीटर है, ट्रेन की लंबाई क्या मान लें, ट्रेन की लंबाई x मीटर है, ध्यान सुनिएगा, और हम क्या बोले हैं, दूरी हमेशा जुटता है, दूरी हमेशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे खड़ी हो, चलते रहे, दौड़ते रहे, नाचते रहे, कोई मतलब नहीं, जोड़ देंगे दूरी, दूरी हमेशा जुटेगा, क्लियर है। तो ट्रेन की लंबाई कितना मीटर है बोलिए, एक्स, अब पहला प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, पढ़िए लिखल है, 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, पहला प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 800, एक्स प्लस 800 हो जाएगा दूरी। यहां देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कोई आया तो उसको नहीं देखना है, आया बैठेगा कैसे, अपना एडजस्ट सब कर लेगा, आप लोगों को यही कारण है कि समझ नहीं पाते हैं, पढ़ा रहे हैं x प्लस 100, आप सोच रहे हैं कैसे बैठेगा, बहुत दिक्कत हो रहा है, सही बात है कि नहीं, सोचने में लगता है, सही बात यही है, आप नहीं बोलिएगा तो x प्लस क्या है, दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 400 मीटर, यही सोचने लगता है, अरे जो आया है वो बैठ जाएगा, सबको अपना दिमाग है, आपको सोचना नहीं, उधर चलिए, ठीक है, पहला ट्रेन का लंबाई कितना है बोलिए, x प्लस 800 मीटर, दूसरा तो इसको, अच्छा ज्यादा समय इसको क्रॉस करने में लगेगा कि नहीं, कितना लग रहा है समय बोलिए, कितना समय लग रहा है 100 सेकंड, इसको 60 सेकंड, क्यों इसको कम लगा बोलिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का लंबाई कम है, तो कम में समय लगेगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई अधिक है, अधिक समय लगेगा, दूरी ज्यादा है कि नहीं, तो ज्यादा समय, दूरी कम, कम समय, अच्छा ये क्या लिखे हैं, क्या है लिखा हुआ, क्या बराबर किए हैं, चाल की समय बराबर किए हैं, समय बराबर किए नहीं किए हैं, चाल बराबर किए, अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ऊपर वाला क्या है दूरी, नीचे वाला सेकेंड है, तो दूरी बटे समय क्या होता है चाल, चाल क्या किए बराबर किए, समझ में कुछ आया, कहता है एक ट्रेन क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं एक्स, तो दूरी हमेशा जुटेगा, पहला एक्स तो ट्रेन का लंबाई एक्स वन प्लेटफॉर्म कहता है 800, एक्स प्लस 800 हो गया, एक्स प्लस 800 हो गया कि नहीं हो गया, और दूसरा ट्रेन होगा एक्स प्लस 400, इसको कितना सेकंड लगता है 100, इसको 60, तो चाल बराबर कर दिए, दूरी बटे समय चाल, दूरी बटे समय चाल, क्लियर है। अब देखिए कैसे कटाएंगे, 0 0 कट जाएगा और कटेगा, दो पंचे द्वितीया छो, कोना को गुना कर दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, तीन से इसमें गुना करेंगे तो 3x प्लस 8 = 2400, 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 2000, देखिए 2400 में 2000 घटाइए और 5x में कितना घटाएंगे 3x, ये कितना आएगा 400 बराबर 2x, कितना मीटर हो गया 200 मीटर हुआ, किसका लंबाई, ट्रेन का प्लेटफॉर्म का, किसका हुआ बोलिए, किसका लंबाई हुआ, ट्रेन का कैसे हुआ, क्योंकि एक्स ट्रेन का माने है, ठीक है, इतना क्लियर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हम लिख रहे हैं।
जी हो गया। देखिए ट्रेन की लंबाई x मानते हैं, पहला प्लेटफॉर्म का 800 दिया तो दूरी कितना होगा x प्लस 800 होगा, ये दूरी हुआ और दूरी बटे समय क्या है चाल। फिर ट्रेन का लंबाई x है, अगला दूरी कितना है 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो दूरी जुड़ गया और दूरी बटे समय क्या आ गया चाल, दोनों चाल बराबर कर दिए, दोनों का चाल क्या किया बराबर कर दिए। ठीक है लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए तो बता देंगे 17 भी भाई। बाईस पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले, बदलिए देखते हैं बदल पाता है, जल्दी बदलिए सबका कॉपी देखते हैं कुछ समझ में आ रहा है कि खाली झूठ हो। 22 लिख दिए, 22 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, देखेंगे ना वो काहे लिख रहे को बदले, उसे छोड़ो ना बदलो ना आंसर बनाइए ना क्या होगा, वो सब हिंदी में नहीं लिखना को बदले बदले, वो सब जानिए ना लिखा हुआ है, सब लिख के सोचता कि तब तक निकल जाएगा तो किसी तरह समय बिताए किससे गुना करेंगे 18/65 गुना कौन करेगा कीजिए तेजी से, हो गया ना हाँ ठीक है नहीं आया, किससे गुना कीजिएगा 22.5 को, पांच मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदले कहाँ पर जो दिए हैं, अब बोल रहे नहीं सुन रहे, अब क्या लगता है छोड़िए ना हम क्या बोल रहे हैं, लगना मत जो हम बोल रहे हैं क्या 22.5 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदले बना अभी नहीं। देखिए आप कमजोरी को छुपाते हैं, जैसे हम गए ना तो लिखने लगता को बदले ही लिखा हुआ है कि जब तक आगे बढ़ जाएंगे नहीं देखेगा, 18/5 किससे गुना करेंगे 5 हो गया किलोमीटर पर, बस पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या जीरो एक जीरो, 5 से कटा दिए 5 6 20 2 5 5 से कटे 5 9 45 5 2 10 2 9 9 कितना आ गया 81 किलोमीटर पर, बस है कि नहीं। बना कि नहीं ये ईमानदारी से बोलिएगा, झूठों ने बोलिए बना, आज नौ धारा पढ़ाएंगे नौ धारा खत्म कर देंगे, नादारा अगर समझ में ना आएगा मेरा पढ़ाने के बाद तो मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, दुनिया को ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको समझ में ना आएगा, बोटन स्ट्रीम का यूट्यूब पे मेरा डाला हुआ है हाँ, नहीं चाहेगा तो यो सीख लेगा क्योंकि इतना बार बैठ जाए मेरा कंठ फंस गया चिल्लाते चिल्लाते। लिखिए क्वेश्चन आया समझ में, ये 5 से कटाए 5 6 कता बचा 2 25 हुआ 2 पर 5 25 पचाए 45 बार फिर 5 से कटाए 5 9 5 2 10 2 से कटाए 2 9 18 9 9 81 लिखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकेंड में पार कर जाती है, 6 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 6 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो क्या करेंगे, दूरी लंबाई किसको बोलते हैं दूरी को, दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला चाल गुना समय, जोर से बोलोगे तो याद रह जाएगा समझे, बोलिए जोर से धीरे धीरे बोलिएगा, अब कहिए ना चाल गुना समय गुना कर देना और क्या इंतजार करना है, मीटर पर सेकंड बदल देंगे उसको 5/18 गुना करके बन गए, जल्दी बनाइए।
दूरी बराबर चार गुना समय, ठीक कर रहे हैं, इसको खाली मीटर पर सेकंड बदलिए, 5/18 गुना कीजिए 60 को, अब गुना कीजिए 6 से, हो गया गुना 6, गुना 6 आई थ्री, ठीक कितना है, ठीक 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 100 है, ठीक ठीक उल्टे आप क्या कर रहे हैं, छोटका लेंगे तो ऊपर छोटका, कौन ट्रिक बताए, ठीक है ठीक है, अब गुना कीजिए 60 से 6 से, अच्छा ऐसा कैसे हो गया, 5 से 60 को कटा दी, 12 5 60, नीचे ऊपर न कटता है, गुना न है, 4 × 8 = 2 लिख दीजिएगा, 4 × 2 4 × 32 ना, ठीक है आपका गुना कीजिए सही है बना, ठीक तो है गुना 6 कीजिए ना, 6 कौन गुना करेगा, 6 सेकंड नहीं समय दिया है, कटाइए 6 किया 3 बार में, 3 से क्या बार में 20 बार में, 20 × 5 = 100 आया 100 मीटर, ठीक नहीं बना, ठीक है 100 मीटर सही है, विश्वास नहीं हो रहा है क्या, ठीक तो कटाइए ना इसको, आई गुना कौन करेगा यहाँ पर, बराबर कौन सा आ गया, कुछ लिख देना है भगवान भर से सही हो जाएगा, देखिए समझिए बात को कितना आसान सा, ऐसे अक्षर बना ही दिया है, थोड़ा थोड़ा किसी को दिक्कत हुआ है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना चाल दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और समय दिया है कत्ते 6 सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे ना, तो छोटका लाएंगे तो छोटका गुना करेंगे ऊपर 5, ठीक, अब किससे गुना कर देंगे 6 से, 6 × 3 से क्या बार में 20 बार, 20 × 5 = 100 क्या आया बोलिए, 100 क्या आया, 100 मीटर पर सेकेंड या मीटर, मीटर, क्योंकि दूरी किसमें होता है मीटर, दूरी समझ में आया, दूरी किसमें होता है मीटर में, कोई दिक्कत, लिखिए एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, सेकेंड में दिया है तो इसको किसमें बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड, किससे गुना करेंगे, सोच के बोलिए, छोटका लाएंगे 5/18 200 आया, तब सेम उसी तरह से है, कुछ अंतर नहीं दिए, इसको आप गुना करते, ऊपर नहीं देखना है क्या किया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना चार्ज, तो 72 21 में दिया सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 गुना कर दिया, 18 × 5 = 20 मीटर पर सेकंड, हो गया, और हमको क्या निकालना है, सुनिए दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय का तय 10, कितना हो गया 200 मीटर, हो गया आए 200 मीटर, ठीक है ठीक है आपका, बहुत बढ़िया बन गया, इस बार चाल क्या दिया है बोलिए, 72 किलोमीटर 5/18 गुना किया 18 × 6, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड कर है, दूरी बराबर का चाल गुना समय, समय कितना दिया है 10 सेकेंड, तो कितना होगा 200 मीटर, समझ में आया, चलिए क्वेश्चन लिखिए 17 नंबर, लिखिए लिखिए 17 नंबर ना, लिखिए क्वेश्चन लिखाएंगे क्या, ये सबके पास एक बस कोई यात्रा, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है, कर यदि वह 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी तो दिया नहीं है, तो दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है, दूरी क्या मान लें x किलोमीटर है, कोई दिक्कत, दूरी कितना मान लें x किलोमीटर, तो कितना भाग है 2/3, अच्छा दूरी 2 3x मान लीजिए, क्यों माने 3x बोलिए,
दो तिहाई, नीचे क्या है तीन, तो मान लेते हैं दूरी तीन एक्स, हल्का रहेगा बनाने में आपको, ठीक है, कोई दिक्कत? कहेगा कि दो बटे पांच भाग तो क्या मान लेंगे पांच, जो नीचे है वही दूरी मान लेंगे, क्लियर है। अब तीन एक्स का दो तिहाई कितना होगा बोलिए, टू एक्स होगा ना, होगा टू एक्स होगा कि ना होगा, तो ये टू एक्स भाग कैसे चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी बटे चाल क्या आया समय, ये किलोमीटर में है, दूरी बटे चाल क्या आया। अब कह रहा है शेष भाग 60 चला, शेष कितना बचा बोलिए, कितना बचा शेष, नहीं समझ में आ रहा है, तीन में दो चल गया कितना बचा एक, नहीं बचा एक, तीन टका दो टका का खा गए एक टका बचा, यो समझने में दिक्कत है भाई, तीन एक्स दूरी है और दो एक्स चल चुके हैं, एक्स से बचा है तीन में दो घटेगा, तो यही एक्स कितना चला, कैसे चला 60, ये क्या लिखे क्या निकला, दूरी बटे चाल क्या होता है, दूरी बटे चाल क्या होता है समय, और सब मिला कितना समय लग रहा है पांच घंटा, बराबर पांच घंटा कर दिया, समझ में आया, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुल दूरी मान लेते हैं तीन एक्स, तीन एक्स क्यों माने, क्योंकि कह रहा है कि दो बटे तीन भाग, नीचे तीन है तो दूरी तीन, नीचे जो रहेगा वही दूरी मान लेंगे, ठीक है, तो तीन एक्स का दो बटे तीन कर दे तो टू एक्स हुआ, टू एक्स चला कैसे 40 से, बाकी एक्स चला 60 से पांच घंटा, इसका एलसीएम क्या आएगा बोलिए, 60 दूनी 120, 40 से क्या बार में 120, तीन बार में तीन दूनी 6x, 60 से 120 क्या बार में दो बार में, तो 2x बराबर कितना पांच, आठ छह दो 8x बटे 120 बराबर कितना है आपको, 8 से कटे 120 15 बार में, 5 से 15 कटेगा क्या बार में, कटाई होती है 105 गुना 15 75 वाह, नहीं देखिए कटा रहा हूँ कटेगा 75 है। अब दूरी कितना आपका 3x, अरे दूरी x थोड़े माने थे, क्या माने थे 3x, तो 75 गुना 3 225 किलोमीटर हो गया, समझ गए, लिखिए 1/3 तीन मान लेंगे हल्का लगेगा, 1/3 मान सकते हैं, अरे 2/3 का शेष 1/3 तीन टका दो टका खा गए कितना बचा 1/3, एलसीएम लिए हैं, औसत चाल का फॉर्मूला याद है नहीं याद है, याद है क्या होता है वाई बटे एक्स प्लस वाई, अगर एक व्यक्ति जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर से, आएगा 80 किलोमीटर पर आवर से, औसत चाल क्या होगा 2 × 40 × 80 × 80 = 120, ये क्या निकलेगा औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy/x + y, ठीक है, ये टाइम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं नहीं जाएगा आएगा एक, हाँ जाएगा आएगा तो एक जाएगा आएगा, कुल समय वो भी होता है, ठीक है, ये जाएगा आएगा मतलब कि एक दूरी फिक्स है, जा रहा है 40 से आ रहा है 60 से, तो औसत चाल क्या आएगा 2xy/x + y, समझ रहे हैं, एकदम जितना पढ़ाते हैं खूब गर्दा उड़ा के रिविजन कीजिएगा, हमको ये भी पता है कि एक बार पढ़ाने के बाद विद्यार्थी बनता नहीं है, ठीक है, समझ गए, एक बार सब पढ़ा दिए मैथ सब हो गया, ऐसा हो जाता तो सब यूपीएससी एक के बारे में कर जाता, नहीं कर जाता है 10,000 वर्ड हम पढ़े होंगे सब याद थोड़े, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, चलिए नाव धारा हम लोग पढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, समय नाव एवं धारा, बोट एवं स्ट्रीम पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा, नाव धारा ट्रेन का जस्ट उल्टा है, ट्रेन का उल्टा है, समझ गए बात को, नाव धारा में क्या होता है, क्या धारा की दिशा में तैरना आसान है या धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के दिशा में, अगर कोई तैरने जानता है तो धारा की दिशा में तैरना क्या है आसान, क्यों आसान है, क्योंकि धारा हमको और बहाते जाती है, धारा का ही सपोर्ट मिल जाता है, नहीं मिल जाता है तो तैरना आसान है, लेकिन धारा के विरुद्ध तैरना क्या है मुश्किल है, हम जा रहे हैं धारा धकेल रहा है,
नॉर्मल बात है, आप दौड़ रहे आपका पीठ पकड़ के कुछ अकेलते जा रहा है तो दौड़िएगा तेल, बात है गिर जाइएगा मुंह में लेकिन दौड़ेंगे तेल, लेकिन दौड़ने जा रहे हैं आपको मेरा सर पकड़ के खींच रहा है मतलब आपको रोकने का प्रयास कर रहा है। जब रोकने का प्रयास करेगा तो मेरा चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और धकेलेगा तो चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए, धकेलेगा चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एक दिशा तो ये ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव के क्या होगा बोलिए, नाव के साथ धारा का चाल जुट जाएगा क्योंकि तैरना। अच्छा जल्दी कब पहुंचेंगे, दिशा में कि विपरीत दिशा में, इसका मतलब जल्दी मतलब मेरा चाल बढ़ा है तब ना जल्दी पहुंचे। रूम से हम 2 मिनट से पहले निकलते हैं, घड़ी में 2 मिनट रहता है निकल जाते हैं, आ जाते हैं समय पर क्योंकि बगल में है तुरंत मोटरसाइकिल से आगे, ठीक है, आंखों बंद करके यहीं आके गाड़ी लगेगा तो आदत हो जाता है। वही है धारा की दिशा में चाल क्या होगा, नाव प्लस धारा की चाल, नाव प्लस धारा की चाल। एक बात याद रखिएगा, दो शब्द को एकदम जो है ना गांठ में बांध लीजिए कि जैसे धारा की दिशा लिखे देखिए, उतारिए नहीं, छापाई काय कर रहे हैं, छापिए तापिए नहीं, नोट्स का इतना बड़का था मेरे पास मैथ का नोट्स है, ठीक है, आपको दे देंगे तो लगेगा कत्ते पड़े हैं, कोई फायदा नहीं उसे, किताबें अवेलेबल है, यूट्यूब है ना, है डेली माध्यम है, लेकिन आपके पास क्या दिमाग में है कि क्वेश्चन पूछते आंसर तुरंत दे दे, वो मायने रखता है। पढ़ लिए बहुत बना ही नहीं पाए, इसलिए हम जो पढ़ाते हैं उसका रिवीजन भी करवाते जाते हैं और करवाएंगे भी, अभी तो पढ़ा ही रहे। तो क्या बोले कि धारा की दिशा में तैरना आसान है कि मुश्किल है, आसान है, धारा की दिशा में तैरना क्या है, आसान है, आसान है मतलब जल्दी पहुंचेंगे लेट से, जल्दी जल्दी पहुंचे मतलब धारा हमको सपोर्ट करेगा, मतलब नाव प्लस धारा, ठीक है। धारा की दिशा में क्या लिखेंगे, नाव प्लस धारा की चाल, धारा की दिशा में क्या लिखेंगे, नाव प्लस धारा की चाल। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अच्छा धारा के विपरीत तैर रहे हैं मतलब उधर से धारा गंगा जी का बहते आ रहा है, हम बोले सुल्तानगंज ये चल जाएंगे तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत समय लगेगा, कहेंगे बरार ही जाएंगे, बस ऐसे सुतलो रहेंगे सर सर ले निकल जाएंगे, है ना। तो धारा की दिशा में नाव विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव माइनस धारा की चाल, नाव माइनस धारा की चाल, ये दो शब्द पे पूरा नाव धारा खत्म हो गया। इतने सा शब्द अगर कोई याद रख लेगा तो सवाल पैदा नहीं उसका छूट जाएगा नाव धारा का, कोई क्वेश्चन है वही है भाई, शब्द का अंतर है, ठीक है। स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, डेजलिंग, एक वर्ड ना है, बस है वही चीज, वर्ड अलग अलग है ना, वही चीज है। दिशा को लिख गया अनुकूल, समझ गया, और कुछ नहीं, हम लिख देंगे उसको सब। अभी आप दो चीज रखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, नाव धारा की दिशा में क्या होगा बोलिए, नाव प्लस धारा की चाल, धारा विपरीत क्या होगा, नाव माइनस धारा की चाल, दो शब्द को याद रखना, ठीक। अब दिशा को क्या क्या बोलते हैं, धारा की दिशा को बोलते हैं अनुकूल, नहीं बोलेंगे अनुकूल, अनुकूल हो गया। अब विपरीत को क्या बोलते हैं, समय मेरा बड़ा प्रतिकूल चल रहा है, नहीं बोलते हैं मतलब विपरीत चल रहा है, नहीं चल रहा है विपरीत, विपरीत को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं विपरीत, ठीक है, विपरीत विपरीत लिख दिए, प्रतिकूल है ये, ठीक है, समझ गए। दिशा को अनुकूल बोलते हैं और विपरीत को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। अब इंग्लिश में बोलते हैं अनुकूल को डाउन स्ट्रीम, उल्टा होता है, अनुकूल को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल को अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर, अप स्ट्रीम, प्रतिकूल, ठीक है, इंग्लिश में बताने की जरूरत है नहीं, समझ गए। और कोई शब्द आता है अनुकूल प्रतिकूल, उर्द, हाँ उर्द, उर्द प्रवाह और अनुप्रवाह होता है ना, तो अनुकूल को क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, क्या बोलते हैं इसको,
अनुप्रवाह, लिख लीजिए प्रतिकूल को ऊर्ध्व प्रवाह, कहीं है ये भी शब्द दे देता है, एक नाव धारा ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या हुआ विपरीत, अनुप्रवाह मतलब साथ, समझ में आ रहा है, ये सब शब्द एक ही चीज है। जैसे ही ना धारा की दिशा लिखा हुआ देखेंगे, नाव प्लस धारा लिख देंगे, बस आंसर उसी समय से बन जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखा रहे आपको, है ना, कोई दिक्कत किसी को, समझ में यहां तक आया? कोई चीज को अगर आप पढ़िएगा ना, उसको मतलब कि आप इंटरेस्टिंग बना पढ़िएगा तो सब दिन याद रहेगा, अगर ड्यूटी पूरा तो नहीं पढ़ रहे तो वो उसी तरह रहता है। ठीक है, अब सोच लेंगे वो धारा दिशा में तैरना आसान है, ओ मतलब तैरना आसान है, जल्दी पहुंचेंगे मेरा मतलब स्पीड मेरा बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो धारा हमको सपोर्ट करेगा तो जोड़ेंगे। प्रतिकूल में तैरना मुश्किल है, समझ गए, है कि नहीं, जैसे हिंदी में पढ़ता है ना शब्द नहीं आता है कौन, अच्छा अनुकूल प्रति, अब क्या अनुप्रवाह दिया ना, हाँ यही शब्द है, अनुकूल या अनुप्रवाह देगा है आपको अलग से लिख के, तो आपको कंफ्यूज ना हो, अनुकूल क्या हुआ, अनुकूल दिशा हुआ, प्रतिकूल क्या हुआ, विपरीत हुआ। ठीक है, ये समझना, लिखिए क्वेश्चन। लिखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की शांत जल में नाव की चाल बताएं। हम एक चीज आपको बोले हैं, कुछ बोले हैं कंठस्थ रखने, क्या बोले हैं कि जैसे देखेंगे धारा की दिशा तो तुरंत हम क्या लिख देंगे, जैसे धारा, जब पट से नापला धारा लिख के निश्चिंत होगा, इतना सा आपको करके बैठ जाना है, नापला धारा कत्ता दिया धारा की दिशा में 15 ई लिख देंगे, कोई दिक्कत किसी को, जैसे ही लिखे देखे धारा की दिशा लिखा, नाव धारा लिख के बैठने जाना है, उसके आगे करना है। ठीक है, नापला धारा 15 किलोमीटर बराबर हो गया, अब कह रहे हैं नाव का चाल निकालना है, धारा कत्ता दिया 3 बराबर कत्ता आया 15, तो नाव का चाल कत्ता आया 15 में 3 घटा तो 12 किलोमीटर प्रति, शाम जल में नाव चाल यही हो गया 12, बस नहीं समझ में आया। अरे जैसे धारा दिशा देखे, सुनिए पहले, अब क्या करेंगे सब नहीं करना है आपको, क्या बोले आप सुनते ही नहीं है मेरी बात को, आपको बोले हैं जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे, लास्ट टाइम बोल रहे हैं ना धारा की दिशा, ई काम हम करके बैठ जाएंगे, नाव प्लस धारा लिख देंगे, जो दिया वो लिख देंगे, बस उसके आगे पढ़ेंगे। अब कहता है यदि धारा की चाल 3 है, धारा 3 रख देंगे तो नाव निकल गया, है कि नहीं, हो गया 12, अब क्या है? अब इसी क्वेश्चन में कहता बताइए धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, क्या लिखते हैं, नाव माइनस धारा, नाव कत्ता निकला 12, धारा कत्ता दिया है 3, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, दोनों का दे दिया है, धारा की दिशा का मतलब नाव प्लस धारा, आया समझ में, लिखिए एक लड़का हमको पूछा सर सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया सब समझे ना आता है, बोले जिसमें कम है सकर्मक, जो अकर्मक है अकर्मक, ये नहीं कहता घर में पागल के नाच रहा है गा रहा है पत्ते चल रहा है अकर्मक हो गया, समझ रहे हैं, किताब पढ़ रहा है सकर्मक हो गया, पढ़ रहा है अकर्मक हो गया, पूछा है तो आप पढ़िएगा उस तरह से तब ना। लिखिए क्वेश्चन,
लिखिए एक नाव, एक नाव धारा, लिखिए ध्यान से फास्ट, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है। यदि धारा की चाल, यदि धारा की चाल, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। 15 हो गया, वाह जी, ज्यादा हड़बड़ी भी ठीक नहीं। क्या बोले? धारा के विपरीत, तो पहले क्या लिख के बैठ जाएंगे? जैसे धारा विपरीत है फट से नाव माइनस धारा लिखे, उसके बाद फिर छोड़ दिए लिख के, कितना दिया ये 20, इतना लिख के छोड़ दिए, 20 लिख के छोड़ दिए। अब आपको अपने बनाने मन करेगा, दो बनाइए देते हैं, इतना सा लिख दिए ना। क्या बोले? जैसे नाव धारा विपरीत लिखा है कि नाव माइनस धारा लिखे और निश्चिंत हो गए, ठीक। अब किसका दिया है बोलिए, धारा का कितना दिया है 5, तो नाव माइनस 5 बराबर क्या दिया है 20, माइनस उधर जाएगा प्लस में, कितना आया 25 किलो। कुछ है सवाल में दम? अरे समझ ना दादा, लिखिए अगला। कोई दिक्कत किसी को? अभी भी दिक्कत हो रहा है? जैसे धारा के विपरीत, जहां विपरीत देखिए लिखा हुआ, फट से नाव माइनस धारा लिख दिए, आज जो जो है पुट कर दिया गया, ठीक है। लिखिए, शांत जल में एक नाव की चाल माइनस 5 उधर जाता प्लस में, लिख दें नाव बराबर 20 प्लस 5, माइनस उधर गया प्लस में, प्लस माइनस में, ठीक है। लिखिए एक नाव, एक क्या लिखे, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि शांत जल में, देखिए शांत जल में नाव का चाल बोले या नाव का चाल बोले, बड़े बात है, ठीक। कभी कभी धारा दे देगा, कभी कभी धारा बोले सरिता दे देगा, कभी कभी नदी दे देगा, कभी कभी प्रवाह दे देगा, इस सब एक के चीज है। धारा बोले, प्रवाह बोले, सरिता बोले, नाव बोले, नाव के जगह दे देगा आदमी, सुनिए ध्यान से, क्या दे देगा? आदमी, स्टीमर, समझ रहे आपको, नाव, आदमी, स्टीमर, और क्या दे दे, बोट अंग्रेजी हुआ, ये सब दे देगा, एक के चीज है, कंफ्यूज नहीं करना है। आज तो आदमी चाल दे दिया, अरे ना वो है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखाए थे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल, यदि धारा की चाल, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताएं, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताएं, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताने बना, धारा की दिशा में नाव की चाल बताएं, धारा की दिशा में नाव की चाल बताएं, क्या आया बोलिए, क्या है 17? देखिए नाव का चाल कितना दिया बोलिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख लेंगे। धारा का, धारा कितना दिया है बोलिए, धारा कितना दिया है, कौन बोर्ड देख के नहीं लिखिएगा, कॉपी में लिखा है, अपना कॉपी देख लिखिएगा, इन्हें कहा बोर्ड देखे, बोर्ड देख के उतार रहे हैं, कॉपी देख के उतारिए तब समझ में आएगा, ठीक है। धारा 5 दिया है ना, अच्छा धारा की दिशा में क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या प्लस, जैसे धारा की दिशा देंगे नाव प्लस धारा लिख के बैठ जाएंगे, हो गया। अब नाव कितना दिया है 12, धारा कितना दिया 5,
हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, नहीं हो गया? Yes, समझ में आया? दिक्कत है किसी को? लिखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट टाइम लिखिएगा, लिखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिखे, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताएं, तो शांत जल, धारा के विपरीत इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। हम जो बोले हैं अगर उतना साफ लिख दीजिएगा तो आंसर आके रुकेगा, जो जो बोले हैं, क्या बोले हैं, कॉपी मत पलटिए, क्या बोले ही बोलिए, यदि धारा की दिशा आएगा तो क्या लिखेंगे, नाव प्लस धारा, लिखिए नाव प्लस धारा, धारा से कितना दिया है, ये लिख दिए बराबर 20 किलोमीटर बराबर, धारा विपरीत भी लिखें क्या, धारा धारा विपरीत को क्या लिखेंगे, नाव माइनस धारा, कितना दिया है 10 किलो, इतना सा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलिए इतना सा लिखिए, आप लोग लिखिए अपने मन से, लिखिए ना, नाव प्लस धारा कितना दिया है 10, नाव माइनस धारा 5, देखिए नाव धारा दिशा में नाव प्लस धारा क्या होगा 20, और नाव माइनस धारा क्या दिया है, नाव माइनस धारा दिया है 10, इतने सम दिया है, अब नाव का चाल कहेगा तो इसको धारा धारा खत्म कर देंगे, तो जोड़ देते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस ई प्लस, जोड़ दिए माइनस ई प्लस है, खत्म हो गया नाव, एक नाव जोड़ एक नाव, क्या गुना, दो गुना हुआ, बराबर कितना हुआ 20 10 30, दो से कटेगा, हो गया नाव चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ गया, ठीक है, कल आगे नाव धारा बताएंगे, टाइम हो गया।